दिल्ली के रामलीला मैदान में सियासी रैलियों का आयोजन कोई नई बात नहीं है। अक्सर पार्टियां अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान से हुंकार भरती रहती हैं। कांग्रेस ने भी रविवार को दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया, लेकिन इस रैली की वजह से आम जनता हलकान नजर आई। हर तरफ जाम लगा हुआ था और सड़कों पर फंसे लोग बेहद लाचार दिखाई दिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली कब तक सियासी रैलियों की वजह से बिलबिलाती रहेगी और कब राजधानी दिल्ली के लोगों को रैलियों की झंझट से निजात मिलेगी, क्योंकि दिल्ली की बेहिसाब आबादी और सड़कों पर लगने वाला रूटीन जाम अब शहर के बीचों बीच रैली करने की इजाजत नहीं देता। रैली से बिलबिलाई दिल्ली, जाम से लोग हुए परेशान, हरियाणा भी हुआ हलकान। बड़ा सवाल, भीड़ की सियासत कब तक और क्यों होती है सड़कें जाम? दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। इस मैदान में अक्सर बड़ी रैलियां होती रहती हैं। सभी पार्टियां वक्त वक्त पर रामलीला मैदान में हुंकार भरती हैं और विरोधियों को ताकत का एहसास कराती हैं। लोकतंत्र में ऐसा होना लाजमी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर दिल्ली के बीचों बीच अब रैलियां करना कितना वाजिब है? दिल्ली में अब आबादी कई गुना बढ़ चुकी है और सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में दिल्ली में रैलियों का सिलसिला सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि दिल्ली में होने वाला पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन जनता के लिए मुश्किलों का सैलाब लेकर आता है। रैलियों की भीड़ से दिल्ली बिलबिलाकर रह जाती है और जिंदगी बेबस और हलकान नजर आती है। रविवार के दिन भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। रैली से दिल्लीवासी परेशान है, ट्रैफिक जाम है, बेहाल है लोग। कहां से आ रहे हैं आप, कितनी देर से ट्रैफिक में परेशान है? हम 2 घंटे से ट्रैफिक में परेशान है और गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपनी पीआर बढ़ा रही है। कहां जाना था आपको? हम जा रहे हैं अभी साउथ एवेन्यू। हम और लोगों से भी बात करते हैं जो कि ट्रैफिक में परेशान है कि कहां से आ रहे हैं आप लोग? भैया हम आ रहे हैं फरीदाबाद से। ट्रैफिक में कितनी देर से परेशान है? कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए। 2.5-3 घंटे से यहीं पे खड़े हैं आप? यहीं खड़े हैं। तो देख सकते हैं कि दिल्ली के आम लोग ट्रैफिक में बेहाल है। एक तरफ कांग्रेस की ओर से रैली की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर आए दिन रैलियों से दिल्लीवासी परेशान है। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में संडे के मायने हर कोई जानता है। संडे की छुट्टी मानसिक तौर पर लोगों को फिर से चार्ज कर जाती है, लेकिन दिल्ली में हुई रैली की वजह से लोग सड़कों पर मानसिक तौर पर और ज्यादा टॉर्चर होते नजर आए। गीता कॉलोनी से आ रहे हैं, कितना टाइम लग गया आपको गीता कॉलोनी से आने में? 2-3 घंटे लग गए सर। 2-3 घंटे लगे, कितनी देर से? मतलब क्या पीछे से ही ट्रैफिक जाम है? पीछे से ही आई तो चारों तरफ। तो देख सकते हैं कि दिल्ली का आम नागरिक बेबस है, ना केवल महंगाई और भ्रष्टाचार से बल्कि दिल्ली में आए दिन होने वाली रैलियों से भी। दिल्ली में हर तरफ जाम लगा हुआ था। दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर सुबह से वाहनों का तांता लगना शुरू हो गया था। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर वाहनों का काफिला दूर दूर तक देखा जा रहा था। लोग जाम में फंसकर खुद को लाचार महसूस कर रहे थे। गुड़गांव के रास्ते हरियाणा और राजस्थान से गाड़ियों के जत्थे रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे। यही वजह थी गुड़गांव के लोगों को भी रैली की भीड़ सता रही थी। फरीदाबाद से होकर दिल्ली में दाखिल हुए रैलियों के वाहनों ने भी आम पब्लिक को परेशान कर दिया। जाम की वजह से काफी देर तक मथुरा रोड जाम हो गया था। आश्रम चौक पर आकर गुड़गांव और फरीदाबाद की भीड़ मिल जाती है, लिहाजा आश्रम चौक से लेकर दिल्ली ISBT बस अड्डे तक दिन भर ट्रैफिक बेहद धीरे धीरे रेंग रहा था। कई बार तो सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह से जाम भी देखा गया।
उत्तरी दिल्ली भी इसी तरह से जाम की गिरफ्त में फंसती नजर आई। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काफिले गाड़ियों के जरिए सोनीपत होते हुए दिल्ली में दाखिल हो रहे थे। इसी वजह से करनाल बाईपास से लेकर रामलीला मैदान तक ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। ट्रैफिक में फंसे लोग खुद पर झल्लाने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाए। बहादुरगढ़ से दिल्ली आने वाली रैली की गाड़ियों से भी कम मुसीबत नहीं थी। गाड़ियों की कतारें आम जनता के लिए मुश्किलों की वजह बन गई थी। हर कोई सोच रहा था संडे का दिन है, लिहाजा छुट्टी का सही इस्तेमाल करने के लिए पेंडिंग पड़े कामों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन रैली के जरिए दिल्ली में आया मुश्किलों का समंदर लोगों की प्लानिंग पर पानी फेर गया। अनूप कुमार और आलोक सागवान के साथ शक्ति परमार, MH1 न्यूज, दिल्ली। तो रैली के साइड इफेक्ट आगे भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।